वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ देवाश्री। आप सब कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ और मैंने ये ब्लॉग बनाया है जो आज, इसको पूरा देखना और खूब सारी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम घूमने जा रहे हैं, और इसलिए घूमने जा रहे हैं क्योंकि मैं ऑफिस का काम करके बहुत थक गई हूँ, तो मैं एंटरटेन होने जा रही हूँ। सो बाय, एंड आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं बेल्ट लगा ली है एंड अब हम चल रहे हैं। तो अब देखते हैं हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं है कहाँ जा रहे हैं, बस मम्मी को ये बता दिया है कि मम्मा मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर जाने का। मम्मी ने कहा जाओ, तब देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। नमस्ते भैया, गार्ड भैया ने नमस्ते कर दी। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि हम वसंत कुंज में ही हैं। अभी मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ मैं, और अपने साथ मैं खुशी को भी ले आई हूँ। सो अब देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। तो गाइज, आज मैं इस स्टाइल में तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं मम्मी को मेरे पे पफ अच्छा लगता है, जो कि मुझे खैर अब इतना पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी को पसंद है तो मैं आज ऐसे रेडी हो गई। तो गाइज, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग है मास्क, तो इसलिए मैं मास्क लगा रही हूँ, बिकॉज कोरोना हो जाएगा यार, अभी हम ढील नहीं ले सकते। गाइज, मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए निकली थी, पर आप भीड़ देख सकते हैं, ट्रैफिक। सो गाइज, अब हम गाने बजा चुके हैं और अब हम इंजॉय करेंगे आराम से, शाम को घर आएंगे। ना जयपुर हाईवे पे है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जयपुर जा रहे हैं, इट्स जस्ट अ जोक, क्योंकि हम जयपुर हाईवे पे हैं। जयपुर हाईवे से हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन हम जयपुर हाईवे से जयपुर नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। बाय बाय। सो गाइज, अभी हमने जयपुर हाईवे से एग्जिट लिया, और एग्जिट लेने के बाद हम कापसेड़ा पहुंच चुके हैं। तो हम जा रहे हैं कापसेड़ा। रोड देखो यहाँ के, अभी तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ दिख रही है आपको, खुशी रोड दिखा हो यार। अब आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पे हल्की फुल्की आपको भीड़ दिख रही है, लेकिन आगे जैसे जाऊंगी ना, रोड बहुत स्मूथ होगा, तो लॉन्ग ड्राइव करने में और ज्यादा मजा आएगा। स्टे ट्यून। तो गाइज, आप देख सकते हैं अभी हम जिस मार्केट में, यहीं से विश्वासन की मार्केट बोला जाता है, और विश्वासन की मार्केट में रोड भी है और मार्केट भी है, तो आप यहाँ पे अगर आएंगे तो गाड़ी पार्क करने की दिक्कत होती है, लेकिन जैसे वहाँ पे लोगों ने गाड़ी पार्क करी है उसके बाद सामान ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो आप कहाँ लगाओगे। तो ऐसा है यहाँ की मार्केट के बारे में, तो हम बताना चाहेंगे आपको। एंड अब यहाँ पे हम आ गए हैं, अब हमने प्लान चेंज कर दिया, हम नजफगढ़ जा रहे हैं, तो आपको नजफगढ़ दिखाएंगे, नजफगढ़ क्या। सो गाइस, मैं पहाड़ों पे कभी गई नहीं हूँ, लेकिन जो मज़ा मेरे को यहाँ मिलता है, शायद आप लोगों को पहाड़ों में मिलता है, बट आई इन्जॉय देयर। रोड देखो कितना सुकून वाला रोड है, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, एंड स्पीड भी ठीक ही है गाड़ी की, एंड जो इन्जॉयमेंट यहाँ है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कहीं और मिलती है। तो गाइस, अब हम यहाँ पे छावला गांव में रुके हैं शिकंजी पीने के लिए, और आप देख सकते हैं वो शिकंजी वाले भैया वहाँ पर है। सो गाइस, अब हमने शिकंजी ऑर्डर करी है, वो भी हम कहाँ पे, छावला गांव में। रुको, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे देखो, ये देखो वहाँ पे वो जो बोर्ड लगा हुआ है, वो छावला गांव में आपका स्वागत लिखा हुआ है, आई थिंक हाँ, छावला गांव नजफगढ़ मटियाला विधानसभा क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे उस बोर्ड पे। ओके, मैंने जूम कर दिया है, अब आपको दिख रहा भी होगा, देखो दिख रहा है ना छावला गाँव। सो गाइज, अब हम शिकंजी पीने वाले हैं, और खुशी ने तो पीना शुरू भी कर दिया। खुशी कैसी है? एकदम ठंडी है। सो गाइज, अब हम शिकंजी के मज़े लेने वाले हैं, और मैंने थोड़ी सी गिरा दी हाथ पे। गाइज, अब मैंने शिकंजी पी लिया और अब हम जा रहे हैं इस गांव के अंदर। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये नदी है, दिल्ली में नदी, आप दिखाओ खुशी अच्छे से। हाँ, ये देखो, ये दिल्ली में है नदी, और इसमें कितने ज्यादा ग्रीन प्लांट आ रखे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, और ये ऑफिस है, बाढ़ को नियंत्रण रखने का ऑफिस। सो अब हम जा रहे हैं, देखिए रोड, अब आगे जाके हम रोकेंगे गाड़ी और थोड़ी सी रील्स बनाएंगे, बल्ले बल्ले।
सो गाइज, अब मैं यहाँ जहाँ पर मैं रुकी हूँ ना, ये रोड इतना अच्छा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो आप देखें कितना अच्छा। देखो अभी मैं गाड़ी से बैठी हूँ ना, तो भी ग्रीनरी नज़र आ रही है, देखो ग्रीनरी एंड ये पूरा रोड ही ऐसा है, देख रहे दोनों तरफ पेड़ एंड रोड। सो गाइज, मैं और खुशी रोड पे हैं, और क्यों है, क्योंकि रोड मुझे अच्छा लग रहा है और हम यहाँ वेट कर रहे हैं थोड़ा। देख रहे हो व्यू, देख रहे हो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, इसलिए जिंदगी के मजे लो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, जिंदगी जियो, मंडे टू फ्राइडे वर्क करो, सैटरडे संडे एंजॉय करो, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अब गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं और वो तेल डलने लग रहा है, वहाँ पे भैया डालने लग रहे हैं। सो गाइज, अभी हमने एप्पल्स खरीदे हैं यहाँ से, ये ना अब कौन सा मार्केट है, ये नजफगढ़ की मार्केट है, यहाँ से हमने एप्पल लिए हैं। और एप्पल लेने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि अब नजफगढ़ तक अगर हम आ गए हैं, तो मेरी एक भावना भाभी हैं, उनसे मैं मिलाती हूँ, भावना भाभी से मिलने जा रहे हैं, तो अब हम अगर भाभी ने परमिशन दी तो हम वीडियो में भाभी को भी दिखाएंगे। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं मैं कहाँ हूँ, ये क्या है, रुको मैं जगह दिखाती हूँ आपको। सो जो ये ऑफिस है, ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्रीय कार्यालय नजफगढ़ है, और हम यहाँ पे हैं। हम पीछा पीछा कर रहे हैं भाभी का, है। सो हम भाभी के घर आ चुके हैं, ये भाभी हैं, हाय भाभी। भाभी हमें रास्ता दिखा रही है कि यहाँ जाना है। ओ, यहाँ तो घर बन रहा है किसी का। सो अब हम जाएंगे कैसे, यहाँ पे रास्ते में रास्ता बंद है, तो भाभी ने इनको बोला है कि भाई थोड़ा सा आगे कर ले और फिर हम जाएंगे। भाभी का सिरिए, तो अब इन्होंने, भैया ने आगे कर लिया है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस, भाभी के घर के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तो ये भाभी के दोनों बच्चे हैं। हेलो हेलो करो, हेलो करो, कैमरे को हेलो बोल दो। कॉल्डन पे आएंगे, आप देख सकते हो हमने कॉल्डन पे, आप दीदी बातें कर रही है। हाँ तो मेरी वीडियो बना लो, देखो मैं कॉल्डन पी रही हूँ, भाभी ले लिया, भाभी लिया हम पी रहे हैं। तो गाइस देखो, मुझे इसने खा लिया, मुझे काट लिया इसने, देखो छोड़ भी नहीं रहा मेरे को, छोड़ दे। ये उस बेबी के टॉय है। ये जो बेबी है, भाभी आ गई, भाभी कह रही है कि मैं ढंग से तैयार भी ना हुई और मेरा। गाइस, मैं भाभी के घर आके शीशे में अपने आप को देख रही हूँ, और अब देखो मैं दिखाती हूँ खुशी क्या कर रही है। सो गाइस, आप देख सकते हैं खुशी इस रूम में है, और ये खुशी बच्चों के साथ बच्ची बन गई है। आप देख सकते हैं खुशी बच्चों के साथ बच्ची बन चुकी है। हाउस है और ये मेरी बिल्डिंग, ये इसने घर बनाया है खुशी ने, और ये बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये हमारी दादों का सामान है सारा, और ये खुशी सब कुछ खिला रही है। गाइस, आप देख सकते हैं किचन कितना प्यारा है, गुड़िया है ये, अरे मतलब मैं नहीं हूँ, गुड़िया है ये असली की गुड़िया है, नहीं नहीं असली गुड़िया मैं हूँ, ये नकली की गुड़िया है। आपको पता है जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तो मुझे ऐसी जाली पर चलने में डर लगता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। गाइस, आप देख सकते हैं 6:52 हो चुके हैं, और हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और ये हमारा शेरू शैतान नाराज होके बैठा है कि आप इतनी देर कहाँ थे, इतनी देर कहाँ थे। अरे बेटा आ गया, बेटा आ गया, ओ बेटू आ गया, बेटू आ गया, बेटू बेटू बेटू।